जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी कोटी। आज एक बार फिर से मेरे साथ हैं बलबीर सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीकेयू अजय, किसान नेता हैं, खुद किसानी करते हैं। चौधरी साहब स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। मैं 2 दिन जो हूँ यात्रा में रहा तो 2 दिन आपसे बात नहीं हो पाई। इस बीच आपने अवनीश जी के साथ जो वीडियो बनाई सर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है आपकी वीडियो। हाँ, वो भी खूब अच्छी चल रही है। और इससे पहले की आपकी सारी वीडियोस सुपर हिट हुई हैं जी। स्पेशली आपके साथ जो पहली हुई थी, आपके हाँ, साथ भी जो पहले हुई थी, शायद 1 लाख पार कर गई है, मुझे बता रहे थे सब लोग। और उसको अच्छा सर, बात ये ना, देखिए झूठ लफाजी फरेब तो चाहे जितनी बोल दो, ईमानदारी से जो आदमी बात करेगा जी, जो भी आदमी ईमानदारी से बात करेगा उसको लोग सुनेंगे, उसका डायरेक्ट दिल से कनेक्ट हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, नेचुरल कनेक्ट होता है। और आज की जो जी, आज की जो सबसे बड़ी जो ताजा घटना जो देश में चल रही है, ये बस यूं ही रहने दो बाबा, कि आंदोलन के नाम पर जिस तरह से देश को बांटने की साजिश चल रही है, देश को बर्बाद करने की जो साजिश चल रही है, आपके चैनल से जो ये बातें जाती हैं उसको जनता लाइक कर रही है। मैं भी जनता के बीच में जाता हूं तो मुझसे हर कोई यही कहता है कि बाबा के साथ ज्यादा से ज्यादा डिस्कस होना चाहिए। बाबा ताजा रिपोर्ट जो पेश करते हैं, किसान की आड़ में, किसान नेता की आड़ में कौन कौन भेड़िए छुपे हुए हैं, वो सब आपके चैनल से उजागर हो रहे हैं। और देश के साथ क्या क्या घटना घट रही है वो भी आपके चैनल के माध्यम से हमारा जो आम किसान है वो इसको देख रहा है। तो इस बात की मैं सराहना करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे किसानों के बीच में जो छुपे हुए भेड़िए हैं और जो देश को बांटने की या किसानों को बांटने की, किसानों को बर्बाद करने की जो साजिश चल रही है उसका आप पर्दाफाश करते रहें। इसे हमारा किसान, जो भोला वाला किसान जिसे अपने काम से फुर्सत नहीं है, वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और मैं जब भी जिधर भी जा रहा हूं, मैं उत्तराखंड गया, अभी मैं उत्तराखंड से कल वापस आया हूं, तो वहां भी आपकी चर्चा चल रही थी। तो मैं यही चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये जो कुछ भी आज देश के अंदर घटनाक्रम हो रहा है उसको हमारे किसान देखें, भोले नुकसान करने वाला कौन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और जो भी आप पूछेंगे मैं उसे बड़ी ईमानदारी के साथ जवाब दूंगा। तो चौधरी साहब हुआ क्या कि कल मैं जब दिल्ली से वापस आ रहा था ना, तो मुझे मुझे फोन आया और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हैं करनाल के, वो आढ़त भी है उनकी अपनी करनाल में और खेती किसानी भी है, 6 एकड़ का खेती है उनकी। तो उन्होंने मुझे फोन किया और बहुत सारी बातें बताने लग गए। तो मैंने कहा यार ये जो बातें बता रहे हो ना मुझे जी, ये मेरे चैनल पे आओ और आम पब्लिक को बताओ जी। सर वो वीडियो मैं अभी 10 मिनट पहले बना के हटा हूं सर। उन्होंने अच्छा, तो ऐसी ऐसी मुझे बातें बताई, तो उन्होंने तो मुझे ये कहा कि साहब ये तो किसान तो सरेआम जो है देश को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, साहब गुंडागर्दी कर रहे हैं। किसान तो, किसान की हालत जो सचमुच मेहनती किसान है, जो सचमुच का किसान है, वो तो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है जी। अगर उनका जो आंकड़ा है, और वो चूंकि खुद किसान है, अच्छा किसान भी है और आड़त भी है उनकी, तो उन्होंने मुझे एक चीज का आंकड़ा दिया कि भैया धान की फसल इतने की होती है, इतने की उपज होती है, इतना खर्चा है, इतना प्रॉफिट है, गेहूं में इतना है, मक्की में इतना है, आलू में इतना है। कहते जो ये 3 फसलें लेता उनका, उनको उन्होंने तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बता दिया। उसके बाद किसान हेरा फेरी क्या करते हैं, आड़ती क्या हेरा फेरी करते हैं, हैं? व्यापारी क्या हेरा फेरी कर रहा है, राइस मिलर क्या हेरा फेरी कर रहा है, कैसे देश को लूट रहे हैं सब मिलके, उन्होंने तो पूरा एक नेक्सस बताया। अच्छा मुझे आज आपसे बात करनी है गन्ना किसान पे जी। आप गन्ना बेल्ट में बैठे हैं जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गन्ना बेल्ट होगी जहां आप बैठे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नहीं, मेरे जहां मैं मथुरा क्षेत्र में जहां रहता हूं, इस ब्रज क्षेत्र में गन्ना नहीं होता है। पहले कभी अच्छा, गन्ना बहुत होता था लेकिन आज ब्रज क्षेत्र में गन्ना नहीं होता है। यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गेहूं और आलू का, सरसों का भी होता है, आलू का होता है, गेहूं का होता है, लेकिन मेरे क्षेत्र में, पूरे ब्रज क्षेत्र में
जो ब्रज प्रांत जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, हाथरस हो, मथुरा हो, आगरा हो, एटा इटावा हो, इधर गन्ना नहीं होता। अच्छा, मुझे गन्ना के बारे में जरा गन्ने की गणित बताइए, क्योंकि आप तो चारों तरफ पूरे देश में घूमते हैं सर। जी गन्ने की खेती की क्या इकोनॉमिक्स है? एक एकड़ में पहले तो बताइए, अगर एक किसान अपने खेत में गन्ना कर रहा है तो एक एकड़ में लागत कितनी है गन्ने की? देखो, इसमें क्योंकि मेरे यहाँ गन्ना नहीं होता, और जब मैं गन्ना बेल्ट में उधर जाता हूँ, हमारे मेरठ, मुजफ्फरनगर, बलोद, शामली, बागपत, इधर में जब जाता हूँ, तो मेरा गन्ना किसान, क्योंकि मैंने ज्यादा हिसाब किताब तो नहीं लगाया, लेकिन जब मैं किसानों से बात करता हूँ कि उनको यदि टाइम से उनका पेमेंट मिलता रहे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, यानी अच्छी खासी उनकी कमाई होती है, केवल दिक्कत आती है पेमेंट उनको समय से ना मिलना। वो भी वहां पर कुछ ऐसी मिले हैं जो समय से पेमेंट नहीं कर पाती हैं। अब क्या कारण रहा होगा, वरना उनका पेमेंट यदि समय से मिलता रहे तो उनको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, दिक्कत किसके सामने आती है कि हर किसान बड़ा किसान नहीं है। जो आपको किसी आड़ती ने जो बताया कि किसान बड़ा मुनाफा कमाता है, लेकिन जो छोटा किसान है उसके घर में और कोई आमदनी नहीं है, और मामूली सा किसान है, क्योंकि आजकल खेती बहुत बढ़ते बढ़ते किसी पे एक एकड़ से ज्यादा किसी एक नाम पर खेती नहीं आ रही है, और उस खेती से पूरी उसका पूरा जीवन नहीं कर सकता, उसकी पूरी साल की पूर्ति नहीं होती है, कि जब तक वो कोई भी उसका बच्चा या तो सरकारी सर्विस में जाए, सरकारी सर्विस इतनी है नहीं, तो प्राइवेट जॉब करे या कोई भी धंधा करे, तो ये हमारी जो खेती है वो प्रॉफिट का लाभ दे सकती है। जब तक हमारे बच्चे केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे रहेंगे या उसी खेती पर डिपेंड रहेंगे तो किसान संपन्न नहीं हो सकता। मेरा किसान का बच्चा जब तक अपने हाथ से कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे किसानों में एक चीज है, चाहिए तो सरकारी नौकरी चाहिए, वरना हम कुछ करेंगे नहीं, तो हम अपने कर्मों से भी कुछ दुख भोगते हैं। छोटा मोटा यदि हम काम करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इधर हमारी खेती से खाना पीना मिल रहा है या कुछ आमदनी हमारी खेती से हो रही है, कुछ हम अपने हाथ के कोई काम ऐसा करें जिससे हमें कुछ आमदनी होने लगे, तो किसान भूखा नहीं मरेगा। भूखा मरने का कारण हम लोग खुद भी हैं, कि मेरे 5 बच्चे, 4 बच्चे या 2 बच्चे हैं, वो सारे यदि खेती पर ही डिपेंड रहेंगे तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि तो खर्चे आजकल बहुत हैं, क्योंकि टेंडर सबका बढ़ रहा है, हमारे जो खर्चे बढ़ रहे हैं, हर हाथ में एक एक दो दो मोबाइल है। हम उन खर्चों को यदि कंट्रोल कर लें तो मेरा किसान उस स्थिति में नहीं है, सारे किसान ही आत्महत्या करेंगे या सारे किसानों की खेती बिकेगी। नहीं, चौधरी साहब मुझे एक बात बताइए, खेती कृषि का जब भी हम नाम लेते हैं हमें भी अब ना, आजकल गवर्नमेंट, हमारी हमारी जो भारत सरकार है वो बहुत सारे बच्चों को अपने गृह उद्योग खोलने के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री खोलने के लिए, आसान किस्तों पर वो लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन यदि हम उस लोन को लेके अपने ऐशो आराम पर खर्च कर लेंगे तो हमें आत्महत्या तो करनी होगी, हमारा किसान परेशानी में तो होगा। हमें भी कुछ अपने हिसाब से यदि जी, असल में चौधरी साहब का संपर्क, हाँ आ गए चौधरी साहब, आ गए, वो नेटवर्क के कुछ इश्यूज चल रहे हैं इसलिए चौधरी साहब का नेटवर्क। जी हाँ, चौधरी साहब, नेटवर्क आप प्रॉब्लम आ रही जी है। जी जी बताइए। तो मैं उसी बात को बता रहा था कि हमारे गन्ना किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, ये चौधरी साहब का नेटवर्क जो है परेशान कर रहा है, तो जुड़ रहे हैं चौधरी साहब जी। गन्ना बेल्ट का किसान, इधर की जो आपके आगरा तक चले जाओ, एटा मैनपुरी तक चले जाओ, जहां गन्ना का किसान संपन्न है, इस बात को मैं डंके की चोट कहता हूं कि उनको वहां, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सरकार उनका जो गन्ना उत्पादन होता है
उसे वहां मिले, खरीदने को तैयार है, पेमेंट चाहे आज नहीं तो 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में मिल तो जाता है। जो असली परेशानी आती है उन किसानों को आती है जो इधर वाले किसान है और इनकी कोई मांग नहीं उठाता है और ना ही इनके साथ कभी भी कोई भी, क्योंकि हाल में चौधरी साहब का बार बार नेटवर्क चला जा रहा है। जी आ गए दर्शक जो है क्षमा करेंगे, आज आज लग रहा है कि ये नेटवर्क काम नहीं कर रहा। मैं चौधरी साहब मैं अपनी बात कहता हूं आपसे, देखिए खेती आप जब भी कृषि की बात होती है ना तो उसके लिए कहा जाता है खेती बाड़ी, खेती बाड़ी। तो किसान जब तक अपनी कृषि को डाइवर्सिफाई नहीं करेगा, अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई नहीं करेगा, उसमें भाई उसमें खेती भी करे और बाड़ी भी करे, थोड़ी बहुत सब्जी भी लगाए, थोड़ा बहुत पशुपालन भी करे, थोड़ा मधुमक्खी पालन कर ले, तो जब वो कृषि की डिफरेंट, अगर वो पूरी तरह किसानी पर ही डिपेंड है तो उसको खेती के अलावा बाड़ी भी करनी पड़ेगी, है ना? तो हाँ वो तो पहले का, तभी वो या तो अच्छा भाई अगर किसान के घर में 5 लोग हैं तो या तो 5ों लोग सारा दिन खेत में करेंगे कि पहले तो मुझे कोई ये बता दे, तो वो अन्य एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी, यदि साथ में वो 2 भैंस भी पाल लेता है, थोड़ी सी सब्जी की भी खेती कर लेता है, एक बेटा उसकी अपनी उगाई हुई सब्जी और अपना पैदा किया हुआ दूध कुछ नजदीकी शहर कस्बे तक पहुंचा जाएगा, उसको बेहतर रेट मिल जाएगा, है जी। तो किसान को अपनी आमदनी को सप्लीमेंट तो सर करना होगा, यदि वो पूरी तरह कृषि पर ही आधारित है तो उसको अपनी एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना होगा और अपने सभी वर्किंग हैंड्स को, सभी वर्किंग हैंड्स को कृषि में इन्वॉल्व करना होगा। अब ये तो चल नहीं सकता कि आपने 5 आदमी बैठ के खा रहे हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे, तो 1 एकड़ की फसल में गया। सर मैं तो ऐसे किसानों को जानता हूं मेरे गांव में है जिनके पास 1 एकड़ तो बहुत बड़ी बात है सर, 5 बिस्वा खेत है, 5 बिस्वा का बहुत छोटा सा प्लॉट होता है जी। उस 5 बिस्वा में ही लाखों रुपए की सब्जी साल की बेचते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनकी औरतें सारा दिन अपने खेत में खुरपी, उनके हाथ से खुरपी छूटती ही नहीं, तो वो दुखी भी नहीं रहेगा। मैं वही बता रहा हूं कि खेती के साथ साथ यदि हम, जो मैंने बताया, जो आपने भी बताया कि हम 2 भैंसे पालते हैं, गाय पालते हैं, उसके साथ में उसी खेती से हमारे सारे काम चलते रहेंगे, हम दुखी नहीं रह सकते। यदि हम ये सोचें कि हमारे उस 1 एकड़ में या 2 एकड़ में सारे खर्चे चल जाएंगे और हम बैठ के खा लेंगे, दुखी दुख इसी बात का है कि हम सारे करने को यदि तैयार रहेंगे तो हमें कोई दुख ही नहीं होगा। परेशानी तो वही आती है ना कि 1-2 एकड़ में या 1 एकड़ में सारा परिवार बैठ के खाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई सब्जी कर रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यदि हर हाथ अपने हाथ का, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से यदि काम करना तुम शुरू कर दो तो तुम्हें कोई दुख होगा ही नहीं। और ये जितना भी, जितनी भी परेशानी आ रही है उसके जिम्मेदार खुद भी है, क्योंकि हम बड़ा काम, हमें तो केवल सरकारों पे आरोप मढ़ने से हमारा भला नहीं होगा। हम दिन रात आंदोलन करते रहे और हमने अपने काम अपने हाथ से नहीं किए तो वो समस्या का समाधान नहीं होगा। इस आंदोलन से भी चंद लोगों का, जो किसानों के हितैषी बनके किसानों के बीच में भेड़िए जो बैठ गए, बड़े बड़े भेड़िए बैठे हुए हैं, वो चंद किसानों को इकट्ठा करते हैं, वो उनको सपने दिखाते हैं कि हमारे साथ आइए सरकार से, हम तुम्हारा कर्जा भी कितना ही ले लो सारा माफ करा देंगे, बिजली आपकी माफ करा देंगे। इन जो सपनों को दिखाने वाले, अब ये जो आंदोलन चल रहा है वहां ये कहा जाता है कि आप 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आप आ जाओ, अच्छा खाना खाओ और थोड़ी देर यहाँ पर उपद्रव करो और उसके बाद चले जाओ, जब हमारा मीडिया का काम हो जाए आप चले जाना। तो ये सारी चीजें किसानों को बरगलाने वाले जब तक बैठे हुए हैं, इन किसानों का भला नहीं होगा। लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश का किसान, हरियाणा का किसान इस बात को समझ रहा है कि हम इन लोगों के बहकावे में ना आकर के, वो तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मेरे
यहाँ अभी मैं क्षेत्र में देख रहा हूँ लाला, ये इसे करना तो मैं यहां देख रहा हूं। चौधरी साहब बोलते रहिए, कोई बात नहीं। हाँ, आप बोलते रहिए। मैं अपने किसानों से जब यह बात करता हूं, क्या मैं अपनी यूनियन वाले किसानों से पूछता हूं, क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि हमें आम वहां पर बॉर्डर पर जाना चाहिए? तो मेरा आम किसान बताता है कि नहीं, हमें तो यहां अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। मेरे ब्रज क्षेत्र में आपका आलू की निकासी शुरू हो चुकी है, आलू की खुदाई चल रही है, फसल की कटाई चल रही है, सरसों की फसल कटाई हो रही है, और इनसे निपटेगा तो उसकी गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। उसके पास तो समय नहीं है, अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। यही वजह है कि मेरे यहाँ का किसान, हालांकि गन्ना नहीं करता है, लेकिन उनसे लिविंग स्टैंडर्ड उनका अच्छा है, क्योंकि हर आदमी अपने हाथ से काम करना चाहता है। हम केवल जेन्युइन मांगों को ही सरकार के सामने रखना चाहते हैं, हम सरकार को बिना बात के घेरने में, क्योंकि मुझे भी यदि कहीं से पैसा फंडिंग मिल रही होती तो मैं भी यहां से 1,000 2,000 4,000 किसानों को ले जा करके अभी किसी भी जगह बैठ जाऊंगा, लेकिन मुझे वो काम नहीं करना है। ना मुझे किसी से फंडिंग लेनी है, ना मुझे अपने किसानों को भड़कलाना है, ना अपने किसानों पर मुझे कोई मुकदमे कायम कराने हैं, मैं वो काम नहीं करता हूं। यही कारण है कि मेरे क्षेत्र का कोई भी किसान, यदि मैं मजाक में भी पूछता हूं, तुम्हें भी चलो मैं काजू बादाम खिलवाऊंगा और मैं बॉर्डर पर ले चलता हूं, तो वो कहते हैं बाबूजी हमें तो अपने काम करने हैं, हमें क्या जरूरत है वहां जाने की। सरकार से यदि कोई हमारी दिक्कत आएगी तो आप जैसे उठाने के लिए तैयार हैं। चौधरी साहब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जी पंजाब में तो अभी बॉर्डर से ये खबर आ रही है कि ये आंदोलन तो फेल हो गया और खट्टर साहब ने तो हरियाणा में घुसने नहीं दिया, तो अब तो दिल्ली घेराव की बात खत्म हो गई। तो आपको क्या लग रहा है, आप किसान क्या करेंगे, ये पंजाब वाले जो यहाँ बॉर्डर पे बैठे थे? अब ये करेंगे कि थोड़े बहुत दिन वहां बैठे हैं। जैसे कल मैं देख रहा था कि राकेश टिकैत ने अपने यहाँ एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला के उसने कहा कि हम अपने ट्रैक्टरों का मुंह दिल्ली की तरफ हाईवे पर करेंगे। भाई वो ये चाहता है कि इस समय उसे कोई पूछ नहीं रहा है, यानी कहीं कोई भी उसको कोई भाव नहीं मिल रहा है, ना तो किसान भाव दे रहे हैं, ना वो जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं उन्होंने बुलाया इसको नहीं है। ये अपने आप ही बयान देता है, क्योंकि ये तो उनमें से है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। इसके साथ में कहीं भी कोई भी किसान, हकीकत में अब कोई किसान इसके साथ बचा ही नहीं। जब से जैन चौधरी ने भाजपा के साथ उनका जो तालमेल होने जा रहा है, और जैन चौधरी के किसानों के या जाटों के, मैं तो स्पेशल कहूंगा कि जो वहां जाते थे इसके साथ जो ताकत थी वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आपका बागपत, शामली, वहां का जो जाट था, जो किसान था, वो इसके साथ उठ के खड़ा हो जाता था। और जब से जैन चौधरी ने इनसे नाता खत्म किया है, इनके साथ, मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा था कि 100 आदमी इसके साथ चलने को तैयार नहीं है। अब इसने कहा कि हम जो है हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर देंगे। भाई उन ट्रैक्टरों को लेके तू घुसने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पता है यदि ये उपद्रव यहां करता है तो योगी बाबा की पुलिस इसका पिछवाड़ा बंदर की तरह लाल कर देगी, वो डर सता रहा है इसे, वरना ये तो तैयार है। इसको यदि ये डर ना हो कि मेरे पिछवाड़े को लाल कर दिया जाएगा तो ये तो आज भी चलने को तैयार है। और अब किसान समझ चुका है कि हमारा इस तरीके के आंदोलनों से कोई लेना देना नहीं है। जहां पर खालिस्तान की मांग हो रही है, देश को तोड़ने की मांग हो रही है, इन सरदारों को नहीं दिखाई देता कि एक समय वो होता था कि एक सरदार कहीं भी नजर आ जाए तो लोग रेस्पेक्ट की नजर से देखते थे। ये गुरु गोविंद सिंह के अपने आप को वंशज बताते हैं, इन्होंने उनके नाम को मिट्टी में मिला दिया, उन्होंने अपने बच्चे जिंदा चुनवा दिए, लेकिन उन्होंने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। और आज ये चंद पैसे की खातिर जो फंडिंग हो रही है, चाहे कहीं से भी इनको फंडिंग आ रही है, उसको ये वहां बैठ के, वहां नेता तो किसान तो कोई है ही नहीं, मैं डंके की चोट कह रहा हूं, वहां किसान नेता एक भी नहीं है। किसान नेताओं के नाम पर, केवल खाने पीने के नाम पर
उनको बरगला के आप आइए, खाना खाइए और केवल यहाँ फोटो खिंचाइए और थोड़ी देर उपद्रव करके चले जाइए, ये वहां पर प्लानिंग चल रही है। और ये दो चार दिन यदि ऐसे ही रहा, दो चार दिन और निकले तो ये यहां से भाग जाएंगे। अच्छा एक मुझे आप बताइए कि चलो भाई पंजाब वालों को तो खट्टर साहब ने घुसने दिया नहीं दिया, हरियाणा में भी तो हैं किसान, हरियाणा वाले किसानों ने अपने ट्रैक्टर क्यों नहीं निकाले? हरियाणा वाले किसानों की मजबूरी है, क्योंकि हरियाणा का जो किसान या जाट जो आंदोलन में, पुनः बता रहा हूं, जो आंदोलन में जाट जाता था, वो यदि जाट यदि सड़क पर निकल आया तो वहां पर ये जो हुड्डा सा यानी पूरी कांग्रेस एक जीरो पर पहुंच जाएगी। क्योंकि वहां होता क्या है कि 36 बिरादरियों का जोड़, मेरा एक जाट नेता, मैं भी उस आंदोलन में शामिल था और मैं इस चीज का विरोध किया करता था, एक बहुत ही नालायक और नीच जाट नेता यशपाल मलिक वहां यदि उसमें नहीं जाता, हरियाणा के जाट आंदोलन की अगुवाई करने के लिए यदि यशपाल मलिक नहीं गया होता, तो आज जाट और 36 बिरादरी जो 36 आंकड़ा था वो सब मिलके चल रहे होते, आज वहां 35 बिरादरी हमारे खिलाफ हो जाती है। जैसे ही ये वहां पर निकलेंगे ट्रैक्टर लेके हरियाणा में यदि निकल गए, तो 36 बिरादरी जो वहां पर अभी अभी 73-75% जो अन्य जनता है वो एकमुश्त हो जाएगी भाजपा के साथ। ये मजबूरी है वहां, ये जो इनको हुड्डा साहब या दीपेंद्र हुड्डा खुद समझा रहे होंगे कि यहां हरियाणा में निकलना मत, मेरे साथ जो कुछ भी जो जुड़ा हुआ है किसान या जाट जुड़ा हुआ है वो सब अलग थलग पड़ जाएगा, मैं अन्य जातियों को भी इकट्ठा करके लाऊंगा, हरियाणा में हम सरकार पुनः बनाएंगे, हरियाणा में हमारे सांसद निकलेंगे, उन्हें वो अपना डर सता रहा है, 1 और 35 का आंकड़ा वहां खड़ा हो जाएगा। जैसे जाट आंदोलन के समय हुआ, जाटों की मांग जायज थी, मैं फिर कह रहा हूं, यदि हमें उत्तर प्रदेश में, उत्तर में हम ओबीसी में डाल रखा है और केंद्र की नौकरियों में जनरल, तो मांग करना जायज होता है, लेकिन तोड़ फोड़ करना, आगजनी करना या अन्य जातियों को गाली देना, ये हमें शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम जाटों को तो उस गिनती में गिना जाता है कि और की लड़ाई भी खुद मोल ले लेता है, हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए औरों को नाराज करके चले आते हैं। तो ये जो कारण बन रहे हैं ना, 1 और 35 आंकड़ा, वहां कोई भी संगठन, कोई भी संगठन नहीं निकले आंदोलन करने के लिए, रोड पर नहीं आएगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो बाबा का डर, या इस डकैत को, राकेश डकैत को यहां से ये डर नहीं बढ़ने देगा, ये केवल घर में बैठ के, क्योंकि कुछ चैनल वाले इसके यहां पहुंच जाते हैं, ये चैनल वालों को बुला लेता है और वहां अपने उल्टे सीधे बयान देता रहता है, और कुछ चैनलों को केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए बात होती है किसी और की, और उस न्यूज में फोटो लगा देते हैं डकैत का, यानी उनको टीआरपी से मतलब है। कुछ चैनल भी ये गड़बड़ियां कर रहे हैं जो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए बिना बात के टिकैत को उसमें बीच में घुसेड देते हैं, जब टिकैत तो कहीं भी जवाब देने लायक नहीं है, टिकैत कहीं बोलने लायक नहीं है, जो संख्या बल था उसका तो उसके साथ से हट चुका है। अच्छा चौधरी साहब एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज आपका भी नेटवर्क डिस्टर्ब है और मुझे भी आज अभी और दो तीन इंटरव्यू लेने हैं, और वैसे भी हम छोटे छोटे किया करें तो वो ज्यादा पब्लिक की डिमांड यही आती है कि चंद बातें, वो गागर में सागर भरने वाली बातें यदि हो जाए करें तो जनता बहुत पसंद करती है। सर ये रालोद का जो गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ, इससे आपका ब्रज क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है आम जनता में, वोटर में, खासतौर पर जाट मतदान है? जी जी, हमारे यहाँ का जो ब्रज क्षेत्र का जाट मतदाता बड़ा खुशी के साथ, क्योंकि वो पहले भी चाहता तो भाजपा के साथ था, क्योंकि जाटों की एक आदत है बाबा, या तो जाट नल पे मोहर देता है या कमल पे मोहर देता है,
यहाँ तो खुशी का माहौल है, कोई कितना ही कुछ बरगला ले, यहाँ जितनी ब्रज प्रांत की जितनी सीटें हैं वो सारी भाजपा के साथ बड़ी आसानी से, लोकदल यहाँ लड़ेगा लोकदल की निकलेगी, भाजपा यहाँ लड़ेगी भाजपा की निकलेगी। और मैं नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट भाजपा के विपक्ष में नहीं निकलेगी। यहाँ तो पूरा सूपड़ा साफ होने जा रहा है, क्योंकि